नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला सदस्य सुनीता रावत जी हैं। सुनीता रावत जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आप एक जो है हमेशा समाज में और संस्थाओं में एक्टिव रहने वाली महिला है। आप ये दोनों जिम्मेदारी घर की एक महिला के तौर पर कैसे इसका निर्वहन करती हैं, और अभी तक आपका जो सफर रहा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला सदस्य बनने तक, वो कैसा रहा? जी, पहले तो बता दें कि हमें ये इस राजनीति में आए हुए लगभग 18-20 साल हो रहे हैं। जब मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे उस समय से आए थे, कुछ अपनी समस्या समाज की समस्याओं को लेकर हम लोग निकले थे, तो उसमें काफ़ी हम लोगों को राजनीति से मदद मिली। तो उसके तहत मदद मिलनी हमें, तो हमें ये लगा कि जैसे आज हमें ज़रूरत पड़ी है वैसे हम दूसरे लोगों की भी मदद करें। इसी के तहत हम सामाजिक संस्थाओं और राजनीति दोनों में ही जुड़े। उसके तहत काफ़ी समस्याएं हुई, कई बार अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता था, कई बार हमें और भी चीज़ों का रास्ते में कई दुश्मनियाँ होती थी, उनका सामना करना पड़ता था। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें पार्टी से काफ़ी मदद मिली है कि पार्टी के लोगों का, हमारे साथ के लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, उसी के कारण हमारे परिवार का भी सहयोग रहा, जो आज हम लोग इतने दूर तक पहुँचे। मैम, इस समय 2019 का लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल अपने सबाब पे है, इस पे इस समय कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर प्रियंका गांधी जी की एंट्री का क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, निश्चय ही प्रियंका जी जब से राजनीति में आई है, हमारा युवा वर्ग, खास करके युवा वर्ग और महिलाओं में काफ़ी जोश और उत्साह बढ़ा है। उनके आने से जो युवा वर्ग जो एक थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं रुचि लेता था, वो भी सब जुड़ रहे हैं और आज एक उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। तो जन सैलाब प्रियंका जी के आने से काफ़ी बढ़ा है और इससे एक नई लहर चल रही है पार्टी में कांग्रेस के प्रति। तो निश्चय ही प्रियंका जी का आना, राहुल जी का आना बहुत ही वो महत्वपूर्ण है। सही समय पे वो लोग आए हैं जिस समय पार्टी में एक बदलाव की उम्मीद है, एक बदलाव की लहर आई है। आपकी जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए, वो बीजेपी से है या सपा बसपा का है? ये चुनाव हमारा मतलब मेन जो चुनाव होता है ये हमारा राज्य के तौर पे नहीं है, ये केंद्र के तौर पे है चुनाव। तो केंद्र पे दो ही पार्टियां मेन हैं, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी और एक हमारी कांग्रेस पार्टी। तो मेन मुख्य चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ही हमारा है, गठबंधन का हमारा इतना ज़्यादा खास हमारा उस पर असर नहीं। हमारा मेन जो प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी है। जो अलग अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय दल कुछ प्रदेशों में काफ़ी मजबूत है, कहीं ना कहीं उनसे मुश्किल बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी। जी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, वहाँ पे ममता बनर्जी काफ़ी मजबूत नेता जानी जाती है, हम उत्तर प्रदेश हुआ जहाँ पे बसपा और सपा दो धुर विरोधी एक हो गए हैं, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं केंद्र की जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों को उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान ज़्यादा बीजेपी को होगा या कांग्रेस को? देखिए, ये चुनाव अगर आप देखा जाए तो इस समय चुनाव एक अलग ही मोड़ पे है। आज का चुनाव जो हमारा 2019 का है वो मेन विचारधाराओं का चुनाव रहेगा कि एक तरफ है आपकी गोडसे और वादी विचारधारा, एक तरफ गांधीवादी विचारधारा। तो हमें समाज को किस ओर ले जा रही है, जहां बीजेपी की विचारधारा है समाज को बांटने की, गोडसे वाली विचारधारा है फूट डालो राजनीति करने की, सांप्रदायिकता फैलाने की, वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि सबको साथ लेके चलने की, सांप्रदायिक सद्भावना की विचारधारा है। तो इस समय हमारी मेन विचारधाराओं की लड़ाई है, जो भी इस विचारधारा में आ रहा वो हमारा प्रतिद्वंदी है, हमें उनको रोकना है। खास करके राहुल गांधी जी एक स्कीम लाए हैं कि जो भी करीब 10 करोड़ परिवारों को वो हर महीने 6,000 देंगे, साल के 72,000। आपको क्या लगता है कि इसको वो कैसे देंगे, इसका जो बजट आएगा, इसका जो खर्चा आएगा वो कहाँ से कम करेंगे और ये पैसा इन गरीबों को देंगे, वो करीब 10 करोड़ परिवार जिनको देना चाह रहे हैं? देखिए, ये राहुल गांधी जी का वादा है, वादा ही नहीं पूरा पक्का इरादा है। उन्होंने लोगों के हर गरीब के जेबों में सीधे खातों में डालने का, 72,000 रुपये सालाना डालने का एक योजना बनाई, वो डालेंगे। वादा ही नहीं कर रहे हैं, वो निभाएंगे, क्योंकि कभी राहुल गांधी का या कभी कांग्रेस पार्टी झूठा वादा नहीं करती है, जो वो करती है वो जो कहती है वो करती भी है। इस पे बहुत हमारा गहन अध्ययन हुआ है, कई इसमें अर्थशास्त्री हैं, कई उसमें बैठ के काफ़ी इस योजना पे
वर्क किया गया, उसके बाद जो निकला है उसमें जो जिस हिसाब से जो पैसा हमारे अभी हमारे वर्तमान सरकार के पीएम ने अपने दोस्तों के जेबों में डाला है, वो पैसा हम सीधे उन दोस्तों चंद 2-4% वाले लोगों की जेबों में डाल के सीधे गरीबों को वो हम पैसा डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम उनके लिए अवश्य करेंगे, ये पार्टी का इरादा है, वो हर गरीब के खाते में 72,000 रुपए डालेगी जो भी इस योजना का पात्र होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से हुई थी। हमने उनसे सवाल किया कि 2014 में जो लहर थी मोदी की, 2019 में वो लहर आपको दिख रही है? तो उनका कहना था कि 2014 में तो लहर थी, 2019 में कहर है। उनके इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं मेन कि उनका क्या मानना है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि लहर जो थी उस समय वो एक बदलाव के रूप में जनता देख रही थी, इसलिए उनको एक मौका दिया गया था। लेकिन उन्होंने मौके में केवल वादे किए, झूठे सपने दिखाए, कोई एक स्कूल या कॉलेज या एक किसी को भी कोई राहत पहुंचाने का काम नहीं किया है। वो जिन वादों के साथ, जिन लुभावने सपनों को लेके बीजेपी सरकार आई थी, जिसके प्रति लोग ने उन पे विश्वास किया था, वो नाकाम रही है सरकार, और अब उस सरकार को दोबारा नहीं आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सुनीता रावत जी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला सदस्य, जो एक बहुत मेहनती और तेज तर्रार नेता जानी जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।